बसमान राहीम असलकम एवरी वन कैसे आप सब लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे खुशबाश होंगे तो आज के वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि आज के वीडियो निशात लेलिन ले की सेल के बारे में अच्छा निशात पे जो सेल है वो ईद से पहले की चल रही है ये इनकी समर सेल है लेकिन स्टिल अभी भी सेल चल रही है और सेल में कुछ और आर्टिकल्स भी इंक्लूड हुए थे तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ तो इस वीडियो में इनकी जो फ्रीडम टू बाई कलेक्शन पे सेल है फ़्लैट थर्टी परसेंट ऑफ़ और फ़्लैट ट्वेंटी फ़ाइव परसेंट ऑफ़ वो मैंने आपके साथ शेयर किए सारी इन्फॉर्मेशन सारी प्राइस डिटेल्स वगैरह आपके साथ शेयर करती जाऊंगी स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगी तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना एंड तक ज़रूर देखना है और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्दी से जाएँ इसे सब्सक्राइब करें और आइए चलिए देखते हैं फिर आज के वीडियो अच्छा तो सबसे पहले इस रैक में जो आप देख रहे हैं इन सब पे फ्लैट थर्टी परसेंट ऑफ सेल है इसमें आपके पास चॉइस है आप टू पीस ड्रेस भी ले सकते हैं सिंगल शर्ट भी ले सकते हैं और थ्री पीस भी ले सकते हैं इनकी प्राइस आफ्टर सेल मैंने ऊपर स्क्रीन पे मेंशन कर दिया जैसे आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे आ रहा होगा पहले मैं आप लोगों को प्राइसेस पर मीटर के लिहाज से बता देती हूँ क्योंकि फ्रीडम टबाई जो कलेक्शन होती है वो आप पर मीटर के हिसाब से ले सकते हैं यानी आपकी अपनी चॉइस है आप टू मीटर भी फैब्रिक ले सकते हैं थ्री मीटर भी ले सकते हैं या आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं तो सबसे पहले अगर कर बात करें दुपट्टे की तो दुपट्टा जो है आफ्टर सेल फोर हंड्रेड सिक्स रुपीज़ पर मीटर है शर्ट भी अगेन फोर हंड्रेड सिक्स रुपीज़ पर मीटर है और जो ट्राउज़र यानी शलवार का जो फैब्रिक है वो थ्री हंड्रेड नाइन्टी टू रुपीज़ पर मीटर है यानी अब अगर हम टू पॉइंट फाइव मीटर की जो दुपट्टा होता है थ्री मीटर की जो शर्ट होती है उस लिहाज से कैलकुलेट करके देखिए प्राइस तो राइट right साइड पे जो आप देख रहे हैं ये मैंने प्राइसेस कैलकुलेट करके लिख दी हैं आफ्टर सेल यानी थर्टी परसेंट ऑफ़ सेल के बाद दुपट्टा जो है वो आपको एक हज़ार पंद्रह रुपये का मिलेगा शर्ट जो है वो आपको बारह सौ अट्ठारह रुपये की मिलेगी और जो शलवार है वो आपको नाइन हंड्रेड एट्टी टू रुपीज़ की मिलेगी अच्छा इनकी जितनी भी फ्रीडम टू बाई कलेक्शन है जिस पर थर्टी परसेंट ऑफ़ सेल है सभी के प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मैंने मेन्शन करती हैं अच्छा आप लोग कह रहे होंगे कि सेल भी लगी हुई है लेकिन फिर भी प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा हैं तो मैं भी इस बात से आप लोगों के साथ एग्री करूँगी कि प्राइसेस ज़्यादा हैं स्टिल सेल के बाद भी क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि अगर आप थ्री पीस आउटफिट लेते हैं तो वो भी आपको तीन हज़ार तक की रेंज में मिलेगा उसकी वजह यह है कि निशात के जो ड्रेसेज होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं एक्सपेंसिव क्यों होते हैं ये भी आपको बताती हूँ क्योंकि निषात का जो फैब्रिक है ना वो बड़ा अच्छा होता है इस मामले में तो कोई शक नहीं है कि निशात का फैब्रिक अच्छा है या नहीं इनका फैब्रिक बहुत ही अच्छा होता है इनके कलर बिल्कुल भी फ़ेंट नहीं होते आप जैसे मर्जी इनके ड्रेसेस को वॉश करें जितनी तरफ आप मर्जी करें इनके कलर्स बिल्कुल भी फेंट नहीं होते और दूसरा इनका फ़ैब्रिक इनकी जो लॉन है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है इनके लॉन दुपट्टे इतने मज़े के होते हैं बहुत ईजी टू कैरी होते हैं इसी वजह से शायद इनकी जो प्राइस हैं वो थोड़ी ज़्यादा है मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत रीज़नेबल हैं बस ठीक हैं प्राइसेस सेल के बाद भी आपको थ्री तक की रेंज में थ्री पीस सूट मिलेगा अगर आप टू पीस लेना चाहते हैं यानी शर्ट और दुपट्टे वाला टू पीस भी ले सकते हैं आप लोग इसके अलावा शर्ट और ट्राउज़र वाला टू पीस भी ले सकते हैं वो भी आपको एटीन हंड्रेड या टू थाउजेंड तक की रेंज में मिलेगा अच्छा नेक्स्ट इस रैक में जो आप देख रहे हैं इन सब पे फ्लैट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ सेल है यहाँ पे एक शर्ट मुझे बहुत पसंद आई थी मैं भी आपको दिखाती हूँ ये वाली शर्ट इसका कितना खूबसूरत प्रिंट आप देखें इसका कलर भी कितना प्यारा है और इसका प्रिंट भी कितना मज़े का ये मैंने थोड़ा सा खोल के इसका बाकायदा आपको सारा प्रिंट दिखाया है ओवरऑल फ्रंट और बैक का जो प्रिंट है वो सेम है इसका इस तरह के प्रिंट का अगर लॉन्ग फ्रॉक बने ना तो बहुत अच्छा लगेगा कलियों वाला फ्रॉक भी बहुत अच्छा लगता है इसके अलावा चुनल वाला फ्रॉक अगर बने तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा और प्राइस इसकी भी ऑलमोस्ट सेम है यानी अगर थ्री मीटर की शर्ट लेते हैं तो वो आपको एलेवन हंड्रेड या ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज़ तक की मिलेगी अच्छा निशाद की फ्रीडम टू बाई कलेक्शन से मैं मोस्टली क्या करती हूँ मैं अपनी ट्रिक आपको बताती हूँ मैं ज़्यादातर इनकी फ्रीडम टू बाई कलेक्शन से हाल ही अनस्टिड शर्ट ले लेती हूँ जैसे ये जो पर्पल वाली शर्ट आपने देखी थी कितनी खूबसूरत थी इसका अगर हम लॉन्ग फ्रॉक बनवाते हैं तो ईजिल हम उसके साथ ब्लैक टाइट्स पेयरअप कर सकते हैं ब्लैक टाइट्स और ब्लैक ट्राउजर ऑलमोस्ट हम सभी के पास होते हैं ठीक है तो एक तो आपके ट्राउजर के पैसे बच गए ट्वेल्व हंड्रेड या थर्टीन हंड्रेड तक की आपको शर्ट मिलेगी आप उसको स्टिच करवाएं और उसके साथ सिंपल जो सादा शिफोन का दुपट्टा होता है उसे डाई कराएं तो आपका एक कंप्लीट बहुत ही खूबसूरत आउटफिट तैयार हो जाएगा और प्रेस से भी इतने ज़्यादा नहीं लगेंगे क्योंकि जैसे आपको पता है कि हम लड़कियों के पास ब्लैक वाइट स्किन ट्राउज़र तो मस्ट होते हैं हर किसी के पास होते हैं तो इनके साथ मेजोरिटी शर्ट्स हम मिक्स एंड मैच करके पहन लेते हैं और हमारा आउटफिट बहुत अच्छा तैयार हो जाता है इसके अलावा अगर आप बाज़ार से भी ट्राउज़र का फैब्रिक लेते हैं तो वो अच्छा जो फैब्रिक होता है ना ट्राउज़र का अच्छी कॉटन या वो आपको 500 तक की रेंज में मिल जाती है यहाँ से अगर आप ट्राउज़र का फैब्रिक लेंगे तो वो राउंड अबाउट आपको 900 या 1000 तक का मिलेगा तो यहाँ से भी आपको पाँच सौ की बचत इस तरीके से मिल सकती है अच्छा ये सारी टिप्स एंड टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा लोगों को पहले से ही पता होंगी आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह हैं और मैं खुद ये टिप्स एंड टेक्निक्स यूज़ करके अपना जो कंप्लीट आउटफिट है वो तैयार करती हूँ इससे क्या होता है कि आपका एक बहुत ही प्यारा सूट भी तैयार हो जाता है और आपके पैसे भी बच जाते हैं क्योंकि मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि अच्छे कपड़े बनवाने का मतलब ये नहीं है कि आप एक लॉन्ग का सूट पाँच या छः का जाके ले लें तो ही आपके कपड़े अच्छे बनेंगे आप लोग मिक्स एंड मैच करके भी अच्छे और अफोर्डेबल कपड़े बना सकते हैं जैसे अगर आपको निशात से कोई शर्ट पसंद आ गया आप शर्ट ले लें उसके साथ दो नेट का या शकोन का टाई करवाएं और उसके साथ एक ट्राउज़र ले लें और इस तरीके से आपका जो अच्छा कम्प्लीट आउटफिट है वो बहुत कम पैसों में और अच्छा तैयार हो जाता है अच्छा पहले जो आपने कपड़े देखे थे उन सब पे फ्लैट थर्टी या फ्लैट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ सेल थी लेकिन इस रैक में जो आप देख रहे हैं इन पे सेल नहीं है क्योंकि ये इनकी नई ईद कलेक्शन है जो ईद कलेक्शन आई थी ये उसमें से है लेकिन इन पे भी बहुत जल्द सेल लगने वाली है आपको पता है कि फोटीथ अगस्त आ रही है और चौदह अगस्त को ऑलमोस्ट हर जगह पर सेल लगती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि फोरटीनथ अगस्त को कहीं सेल ना लगे तो इन शाद भी इनकी ईद कलेक्शन पर बहुत जल्द सेल लगाएगा इन अगर जब जैसे इनकी ईद अज़ी कलेक्शन पर भी सेल लगती है मैं फ़ौरन से आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी और बस आप लोगों ने क्या करना है कि वीडियोस को लाइक किया करें इनको ज्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़